जी नमस्कार, क्लास 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। आज हम अपनी इसी कक्षा को संचालित करते हुए महान मनोविश्लेषणकार जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया प्रस्तुत पाठ बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह जो पाठ है ये उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों और कहानियों से भी कुछ प्रभावपूर्ण है। यहाँ उन्होंने अपने एक अलग निबंधकार के रूप में, कथाकार और उपन्यासकार के अलावा निबंधकार के रूप में जो अपना एक अलग पक्ष जो है वो उपस्थित किया है, वो भी बहुत प्रभावशाली रहा है। बाजार दर्शन पाठ जो है वो वास्तव में यहाँ पर एक निबंध के रूप में उपस्थित हुआ है, जिसमें लेखक ने अपनी वैचारिकता को यानी अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है और बताया है कि आज जो है उपभोक्तावाद और बाजारवाद कितना चर्चा में है। उपभोक्तावाद यानी उपभोक्ता तो वो है जो किसी भी उत्पाद का उपयोग करता है, और बाजारवाद यानी बाजार जो है वो इस तरह से बिखरा पड़ा है जो हर समय उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है, जिसके लिए तरह तरह के विज्ञापन तैयार करवाए जाते हैं और उन विज्ञापनों के माध्यम से जो उपभोक्ता है इतना उसकी तरफ आकर्षित होता है कि मजबूर हो जाता है हर उस उत्पाद को खरीदने के लिए कि अरे अगर यह साबुन इतनी प्रभावशाली है तो मेरे पास क्यों नहीं है, अगर यह खाने की वस्तु इतनी उपयोगी और पौष्टिक है तो ये मैं सेवन क्यों नहीं कर रहा हूँ। यानी हर कोई चीज जो है वो उसके अंदर एक अलग तृष्णा को, अलग इच्छा को जागृत करता है और उसी तृष्णा और इच्छा के वशीभूत होकर वो उपभोक्ता उस चीज को, उस उत्पाद को, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विवश हो जाता है। कुछ ऐसा ही है बाजार दर्शन। बस इसी विचार को एक निबंध का जामा पहनाकर हमारे सामने उपस्थित करने का श्रेय जिन्हें जाता है वो है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार वास्तव में एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद को हमारे सामने प्रस्तुत किया, यानी मात्र कल्पनाओं के रूप में कहानियों का लेखन करना, आदर्शवादी कहानियों का लेखन करना इनका कार्य नहीं था, बल्कि इन्होंने तो यथार्थ रूप में समाज के हर एक तमगे के वर्ग के मन में किस तरह का विश्लेषण चल रहा है, किस तरह के द्वंद के वो शिकार हो रहे हैं, उन सारी चीजों को, उनकी सोच को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को हमारे साथ साझा किया और बताया कि साठोत्तरी युग में यानी 1960 के दशक के बाद लोगों के विचारों में किस तरह का बदलाव आया और किस तरह से उनके विचारों में आदर्शों के स्थान पर उनका जो स्वार्थ है, उनका जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की जो विवशता है और इच्छाएं पूर्ण न होने के कारण अंदर जी अंदर जो द्वंद चलता रहता है वो वास्तव में उनको किस दिशा की ओर ले जा रहा है, इस कार्य को करने में जो महारत हासिल हुई थी वो जैनेन्द्र कुमार को ही हुई थी। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक के परिचय को पढ़ते हैं और उसके बाद पाठ परिचय की ओर उन्मुख होंगे। जैनेन्द्र कुमार, जिनका जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं यानी इन्होंने जो उपन्यास लिखे, वास्तव में कभी मौका पड़े तो इन उपन्यासों को अवश्य पढ़िएगा। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनकी कल्पनाओं को नहीं पढ़ रहे, हमारे आसपास में ऐसे कई व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने इन सारी परिस्थितियों को भोगा है, ऐसा हमें आभास होने लगता है, जिनमें है परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। इसी तरह से इन्होंने कई कहानियां भी लिखी, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। पाजेब कहानी तो शायद आपके इसी पाठ्यक्रम में भी शामिल है, हम पढ़ेंगे, पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, ये इनके निबंध हैं विचार प्रधान, जो वास्तव में पाठक को भी विचार करने के लिए विवश कर देते हैं। इनके साहित्यिक कार्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार,
भारत भारती सम्मान आदि से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। देखिए, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ के विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यानी इन्होंने इस तरह से बताया है कि जो यथार्थ है उस यथार्थ को सत्य मान लेना और उसी को ओढ़ करके अपने आप को मजबूर मान लेना, वो वैसे अगर इस तरह का व्यक्ति होता है वो तो अपने आप को असमर्थ ही समझता है। लेकिन जो ये सोचता है कि इस यथार्थ जो हमें संसार में दिख रहा है इससे अलग भी कुछ सत्य है, उस सत्य के दर्शन अगर कर लेता है व्यक्ति तो इस यथार्थ की मुश्किलों से वो हर तरह से दूर हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को निरुत्साहित होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसे वास्तविक सत्य के दर्शन हो गए। यानी सांसारिकता से अलग हटकर जो चीज आती है वो हमें इन सारे अंतर्द्वंद्वों से मुक्ति प्रदान कर देती है। देखिए, इनकी जो प्रभाविकता है वो क्या है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जो हुए वे थे जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, इन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता ये इनके उपन्यास थे। इसके बाद 1937 में प्रकाशित त्याग पत्र में भी इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में अपने विचारों को प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह से खेल कहानी, पाजेब कहानी, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कालजयी यानी हर समय में जो जीवित रह सकती है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर और चिंतक के रूप में भी रही है। बहुत सरल और अनौपचारिक से दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित हर एक गहन प्रश्न को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु यानी श्रेष्ठ और सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, और इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से अपने हृदय में स्थान दिया है। यानी गांधीवादी होने के नाते जिस तरह से गांधी जी ने मात्र कल्पना ही नहीं करी बल्कि जनता को साथ में लेकर के जनता के दुख सुख से परिचित हुए और उनको दुखों से मुक्ति कराने के लिए खुद ने प्रयास किया, उसी तरह से जैनेन्द्र ने भी लोगों के सुख दुखों को ध्यान में रखते हुए एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में उनको इस साहित्य क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा दिलाई। तो ये बात थी जैनेन्द्र की, जिनका 1905 में जन्म हुआ, 1990 में निधन हो गया। मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार और कथाकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठित ख्याति से हम सभी परिचित हुए। इनके द्वारा प्रस्तुत निबंध है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन वास्तव में एक ऐसा निबंध है जिसमें उन्होंने अपनी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य, यानी भाई जब आप किसी भी लिटरेचर वर्क को कर रहे हो तो उसको और ज़्यादा इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हो, उस चीज़ को भी इन्होंने यहाँ पर प्रयुक्त किया है। आपको पता है उपभोक्तावाद और बाजारवाद है ना, इनको व्यापक चर्चा मिली कब, पिछले 1.5 दशक से। ठीक है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, वे अपने मित्रों से जुड़े अनुभव के आधार पर ये बताते हैं कि बाजार में क्या है, एक जादुई ताकत है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, बाजार में एक जादू की ताकत है जो हमें अपना गुलाम बना लेती है, और अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझ करके बाजार का उपयोग करते हैं तो बाजार का लाभ उठाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी जरूरतों को तय कर बाजार में जाने की बजाय बाजार की चमक दमक में फंसकर असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर अगर ऐसी ऐसी चीजों का भी खरीदारी कर लेते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए बेकार बना सकता है। कई लोग होते हैं बाजार में अपनी एक लिस्ट बना करके जाते हैं, नहीं भाई मेरे को तो ये गिनी चुनी चीजें ही लेनी है, इसके अलावा कोई चीज नहीं लेनी। लेकिन जब बाजार में अपने जाते हैं ना कि अगर एक लिमिटेड जो अमाउंट लेकर के निकलते हैं, फिर लगता है नहीं यार ये चीज भी अच्छी है, ये चीज भी बहुत अच्छी है, अरे ये तो उसने खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगा, अरे उसके घर में इस चीज को पहले जगह मिल गई थी तो मेरे घर में क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें क्या कर देती हैं, आपको पैसों की जो व्यर्थ खर्चा है
उसको भी बढ़ा देता है और साथ में हमारे मन में भी असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा जो है, तृष्णा जो कभी खत्म नहीं होती। एक तो होती है इच्छा जो संतृप्त हो जाती है, एक होती है तृष्णा जो कभी खत्म नहीं होती, उसको हमारे मन में स्थान मिल जाता है। इसीलिए इसी मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने तरह तरह से समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर इस पाठ के अंदर लेखक ने अपने मित्रों का या कई अन्य व्यक्तियों का उदाहरण देकर दर्शाया है कि कई लोग जो होते हैं वो संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको पता है कि उन्हें किन चीज़ों का जो है वहाँ पे उपयोग करना है और उस आधार पर वो उन चीज़ों का ही खरीदारी करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की चीज़ों से अपना तुलना करते हैं और तुलना करते हुए ऐसी ऐसी चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जहाँ उनकी आवश्यकता ही नहीं है, और आवश्यकता ना होने की वजह से फिर वो पैसों को वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए कि इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है, यानी ये वास्तव में अर्थशास्त्र नहीं है, ये तो अनीति शास्त्र है जिसमें नैतिकता ही नहीं है, जो हर तरह से व्यक्ति को मजबूर कर देती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी चकाचौंध में व्यक्ति को मजबूर कर देती है कि ये सारी चीज़ें वो खरीदने के लिए विवश हो जाता है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस निबंध में उन्होंने बाजार दर्शन के माध्यम से उपभोक्तावाद और साथ में बाजारवाद, इन दोनों चीज़ों को हमारे सामने उपस्थित किया है। तो आज हमने अपनी कक्षा में जैनेन्द्र के जीवन का परिचय प्राप्त किया और साथ में बाजार दर्शन पाठ का भी परिचय प्राप्त किया। अब आगे की कक्षा में हम बाजार दर्शन पाठ में जो उदाहरण दिए गए हैं, लेखक ने अपने मित्र का उदाहरण दिया और एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो वास्तव में बहुत संतोषी प्रवृत्ति के हैं, जो पुड़िया बनाने का काम करते हैं और उतनी पुड़िया बाजार में ला कर के बेचते हैं जिनसे उनको इतनी कमाई हो जाए जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके, और अगर एक्स्ट्रा पुड़िया बच जाती है तो उन चीज़ों को वो किस तरह से बाजार में यूं ही फ्री में ही दे आते हैं। यूं नहीं है कि उनका स्वार्थ ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, प्रॉफिट कमाना, है ना, मुनाफे की ओर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन जो बाजार बिना मुनाफे के चलता है वो बाजार आज के संदर्भ में उपयुक्त भी नहीं माना जाता। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है, नेक्स्ट अगली क्लास में हम हमारे बाजार दर्शन पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।